दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज भी। आज खबरें आज भी की जो स्टूडियो है, आज एक न्यूज रूम है, उसके अंदर एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो चिताके में रहने वाले थे, जिनका नाम है चिन्ना तांबी करके। वो ई सेक्टर एक्स लाइन रूम नंबर 3 चिताके ट्रांबे मुंबई में रहने वाले थे। उनके साथ में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, मतलब एक चीटिंग हुई है, मतलब इनको एक फंसाने का काम किया गया है। वहां के 2 से 3 लोगों ने जो रूम दलाल का काम करते थे, और उसी को लेके उन्होंने आज से 4 से 5 महीना हो गया वो अपने यहाँ चिताकेम छोड़ के बाहर रह रहे अपने 2 बच्चों के साथ में। और उनके ऊपर क्या बीतती है आपको समझ सकते हैं। उनको उन्होंने समझो जो एक उसमें एक बंदा है वो कुछ राज पार्टियों से ताल्लुक रखता है, और वो उनका वही काम करना है कि लोगों को फंसाना, ऐसा ही काम इनके साथ में हुआ है। उन्हीं से बात करते हैं क्या मामला था, और उन्होंने इसको जो फंसाने का बात करें कि मेरे सामने एक जो पत्र है वो एक जोन 6 के पुलिस आयुक्त से उन्होंने एक गुहार लगाई है, और इस मामले की पूरी जांच करने की मांग की है। उन्हीं से बात करेंगे। ये हमारे साथ में है चिन्ना तांबी जी। सर, खबरें आज में स्वागत है। मेरा नाम चिन्ना तांबी नारायण स्वामी है। चिताकेम से 94 से रह रहा हूँ। मेरे को भी थोड़ा काम धंधा बंद था लॉक टाइम से, तो थोड़ा पैसे जब मेरी जरूरत था, जिन्हें तला लेकर के ले गए, उनसे मांगे वो क्या किया, मेरे को 2 दिन के बाद तुम आओ करके बुलाया। 2 दिन के बाद वो मेहमूद करके ले गया मेहमूद। उसको पहले 2 महीना पहले जानता था, उसको पहले उसका 3 महीने पहले मालूम नहीं था, फिर उसको थोड़ा थोड़ा पहचान हो करके ले गया मेरे को। आपका क्या कारोबार, क्या करते हैं? कारोबार बेचा का बिजनेस है, मेरे पास 5-10 आदमी काम कर रहे हैं। तो उसमें आपका जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन तो अभी समझो लगा, सेकंड लॉकडाउन की बात है, सेकंड लॉकडाउन की बात है, तो क्या पूरा मामला था, किस तरह से आदमी संभालने पे पैसा भी नहीं था, पगार पानी देने पैसा नहीं था, उसके लिए उससे ब्याज मांगना, ब्याज पे पैसा लेने के लिए लेने गए। किसके पास गए आप? जीनत के पास। जीनत क्या काम करती है? जीनत दलाली है। अच्छा, दलाल है। किस चीज का दलाली करती हो? रूम का मालिक दिलाना, रूम का दिक्कत करना, भाड़े डालना, तो दलाली हो। हाँ, तो आप 20,000 रुपए के लिए तो आप जिन्नत के पास गए, तो आप बताइए और क्या पूरा मामला, किस तरह से उन लोगों ने आपको फंसाया? किस तरह, मतलब मेरे को 2 दिन के बाद बुलाया ना, 2 दिन के बाद मेमो दे लोग, मेरे को आधार कार्ड फोटो मंगाया था, मैं व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे गया तो लोग अंदर क्या काम किया मेरे को मालूम नहीं, पढ़ाई के हम लोग पढ़ाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद मेरे को सीधा वकील के पास है, वकील के पास ले गया, पेपर में साइन भी करा, मैं सामने बंदा, मेरे को 1.5 लाख रुपये पैसा दे, 1.5 लाख दिया, तो भाई इशारा किया तीनत को, बोला कि आप 1.5 लाख दे रहे हो, ठीक है, उसका हम लोग कर लेंगे, ऐसा बोल के मेरे को लेके निकल गया पैसा। हाँ, लेके निकल गया। उसके बाद मैंने मेरे को दिया तो पैसा, वो 10,000 देना, 20,000 देना वाला था ना बात था, 20,000 दिया नहीं, फिर बोला मैंने ऐसा क्यों करा, मेरे को पहले तो मैं तकलीफ, मैं वकील के पास लेके तो आपको 1.5 लाख रुपया दिया, पेपर बना के 1.5 लाख दिया, जावेद दिए। अच्छा, जावेद ने आपको 1.5 लाख रुपया दिया, तो वो 1.5 लाख रुपया किसको दिया? अपने मत दिए, महमूद के देने, फिर वो तो वापस से 1.5 लाख जो मामला और 3 लाख का बन गया। जो दिया 1.5 लाख, उस टाइम मेरे को पैसा दिया ही नहीं, नहीं वो बोले मामला गड़बड़ हो जाएंगे, तुम रुको 10-4 दिन तो करवाएंगे, एक हफ्ता भर किसी भी दिया ही नहीं। फिर बाद में बोला भाई ऐसा क्यों कर रहा था, मेरे को तंग कर रहा है, वो बोला था तुम पैसा भी ले लिए, मेरा काम भी नहीं करवा रहे, मैं किसके लिए वो काम नहीं किया तुमने, फिर बोले तो बोला नहीं तो तुम मैं पूरा 1.5 लाख नहीं लेगा ना, ये भी मैं आपके ऊपर कर लूंगा, तेरे नाम पे सब कुछ बनाया है, फिर आधा तेरे केस करके मैं तेरे को अंदर कर दूंगा। मैं ये किसने बोला आपको, किसने बोला? महमूद नहीं, मतलब जावेद समीर, दोनों मिलते और टाइम भी देगा ऑफिस बैठ के ना, मेरा भाई को देखे ना पुलिस वाला इतना डरता है, उसके बाद समझो मैं भी डर गया, पुलिस वाला मेरे डरता, बोले तो क्या मैं पुलिस वाले नहीं हूँ, बाई चांस नहीं कभी, ओके, इसके चक्कर में मैं उसके बाद सुन लिया, उसके बाद 1-10 दिन बाद तो और 1.5 लाख दिया था। तो जो एक मिनट, जो आपने जो एग्रीमेंट बनाया, कौन से रूम पे बनाया आपको? मेरे अब तक मालूम नहीं, कौन सा एड्रेस पे कौन से जगह, अब तक मालूम नहीं मालूम, खाली आपको वकील के पास लेके गया और साइन करवाया, वकील भी जामिल है। अच्छा, वकील भी शामिल है, कौन सा वकील है कुछ मालूम है? नूर मजीद के बारे में, उसका नाम भी नहीं मालूम। अच्छा, नूर मजीद के बाद चिताके में रहता हूँ, तो आगे का क्या हुआ बताइए, किस तरह से आगे ये और 1.5 लाख लिए ना, 1.5 लाख लेने के मेरे बुलाया, मैं बोला भाई साहब भ्रम मत करो, तुम लेगा तुम देता करके, तुम नहीं लेगा ना तेरे सर पे डालूंगा 1.5 लाख। अच्छा, तो ऐसा धमकी देखिए, मेरा भाई भी पुलिस वाला डरता नहीं है, पुलिस वाला मेरे भाई को देख के डरता है, ऐसा बोल के ले गए, फिर वापस 1.5 लाख मिला है ना, उसने भी 10,000 दिया ना, 10,000 देखे, फिर 2 दिन देता करके, 2-3-4 दिन बाद हफ्ते के अंदर सामने वाले मालूम पड़ेगा, ये सामने वाला बंदा मेरे पर पे आया नहीं, वो सीधा इधर उधर घूमते, मैं नवा मालिक आदमी है, ऐसा ऐसा बोल के अंदर निकल गया, मेरे से बात ही नहीं, आज तक उससे जो पैसा लिया ना
वो पैसा वाले थे तो नवाब मलिक का आदमी, वो क्या वो जावेद बोल रहा था। तो वो क्या राष्ट्रवादी में क्या कोई पद है क्या? मालूम नहीं मेरे को। अच्छा वो मालूम नहीं, खाली वो टेलर का काम करता, सिलाई का काम करता। अच्छा सिलाई चैंबर में, चैंबर में बस काम करता है। मालूम फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को देखे वो लोग ने रात को बुलाया मेरे को, उसी दिन 19 तारीख रात को बुलाया, 7 बजे तक तभी पैसा आ गया। फोन किया मालूम पड़ेगा तुम इधर आओ, मालूम पड़ेगा तुम चौकी चले जाएंगे, इससे मैं चौकी जा रहा करके मैं सब बुला नहीं लोग को हिम्मत को सीधा उठ के लाल मैदान तक पुलिस चौकी तक 2 सेकंड में चौकी अंदर पहुंच जाता। उतने में लोग फोन करते तुम रुको मैं आता करे लाल मैदान अंदर गार्डन में लेके आएंगे, और सबीर और महमूद और गलील इन्हों मिल गया ना मेरे को, ऐसा ऐसा धमकी तुम नहीं जाएगा ना, तेरा बच्चा लोग मार देगा, तेरा औरत को मार देगा, मेरे को धमकी तुम 2 दिन किधर फिर जा। अच्छा ऐसा बोल के मेरे को मानकर तो मस्का लगा के लेके आया, मानकर लेके आया, मानकर पीछे पीएटी बैंक है ना उसमें पैसा निकाला महमूद। उसके बाद मेरे को पुणे का बस जड़ा दिया। अच्छा रातों रात मतलब जो दूसरा 1.5 लाख रुपया दे के लेके वापस एटीएम से निकाल के फिर आपको वहाँ से एटीएम से 2000 दिया। अच्छा 2000 आपको दिया टिकट के लिए? अच्छा आपको टिकट के लिए 1000 भी दिया। हाँ टिकट के लिए 1000 भी दिया। रात में फिर भगाया ना उसी रात। अच्छा उसी रात को भगा दिया। हाँ भगा दिया। फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते मेरे पास आने तक मेरे को उठा नहीं, भेज दिए। फिर मेरे भेजने के बाद मेरे घर पे जाके मेरा होकर रात को सोने दे, परेशान करे, सुबह सुबह 7 बजे तुम लोग निकल जाए यहाँ से। अच्छा तो तुम लोग भी मार देगा। अच्छा ऐसा बोला? कौन बोला? महमूद फोन में, फोन पे बोल दिया। फोन पे करते करते फोटो इतना साना बंद किए मेरे को, फोन पे बात की सब करके, तुम कुछ भी रिकॉर्ड मत रखना, पूरा रिकॉर्डिंग उड़ा दो। अच्छा सब रिकॉर्डिंग उड़ा, मेरा सिम कार्ड जो पुराने 10 साल से वापर सिम कार्ड, वो सिम कार्ड भी फेंकने बोल दिया। अच्छा आपने वो सिम कार्ड रखा के फेंक दिया? फेंक दिया। तो आप करते हो ना? हाँ तो वो सिम कार्ड तो आपके नाम पे है ना? हाँ, मेरा नाम पे। तो वापस आपको क्या धमकी मिल रही है फोन पे? अभी धमकी नहीं मिल रही, वो लोग दोनों एक ही हो गए। अच्छा एक हो गया, एक जात वाले मिल गया। अभी बोल रहे जावेद बोल रहे तो आना नहीं, महमूद बोल रहा और अपरन पैसे तुम तब तक तो बात ना भाई, मेरा काम धंधा 5 महीने हो गया, मेरा आदमी किधर है कुछ मालूम नहीं, अच्छा बताया नहीं, मेरा काम धंधा चलाओ। इसके पहले साबित से बात किया भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं भरा ना तेरा पैसा लेने के लिए, पैसा मैं कट के निकल के दूंगा। इसमें टोटल कितने लोग इन्वॉल्व है पहला? इसमें टोटल ना ये हमारे मेरे तो फसाया चार जन। क्या नाम है सब चारों का? चारों का नाम है, पहला नंबर है महमूद है, उसके बाद जावेद समीर है, उसके बाद खलील है, उसके बाद जीनत है। जीनत है, ये चार लोग मिलके आपको फसाया? मेरे को फसाया। उसके बाद वो उसके ऊपर वो जो है उस साइड में सापो सीट साइड में पैसा लगा उस साइड में, उस साइड में और जावेद है और अयास है, अयास चार पाँच 8 दिन ग्रुप है, 8 दिन ग्रुप मेरे पूरा कारपेंट घुस के मेरा आदमी को मार के धमकी भी लेकर आप बंद करा के सबको भगा दिए। तो अभी आप चेता के हमसे भगा दिया और आप आने नहीं देते? भी भगा दिया उसको भी भगा। उसको मैं पूछा भाई तुम मेरे काम का आदमी क्यों मारा? ऐसा पूछा उसको हरा तेरा बोलने लगे। अच्छा वो उससे सम्मत करके पूरा बड़ा आदमी गुंडागिरी मतलब सबको मार दे, पंचायत करने करते तो उसका सामने दिख गया ना तो खत्म हो गया, थोड़ा मार दे। मैं बोला ऐसा कैसे मारोगा, हेड़ा है क्या मेरे मारने के लिए? अभी सामने दिखेगा तो मार देगा, ऐसा बोला तो मैं ऐसा कैसे मारेगा, वो तुम दिख ले ना तुम देख लेंगे, ऐसा बोलते बोलते बात कर 4-5 बार। ये जो जितनी बार महमूद था, सैयद महमूद करके उसका नाम है ना, सैयद महमूद करके था वो, आप जितनी बार फोन किया आपके पास टोटल रिकॉर्डिंग है उसकी? हाँ अभी मैं गांव से आने वाले लोग मेरे पास गेम खेला करे, मेरे पैसा में 1 महीना मेरा बेंगलुरु में था, आने वाला था दिवाली के दिन 1 रुपया नहीं था इसे बैठा। अच्छा 1 महीने गेंगलुरु था, उसके बाद मेरे को फोन उठाना बंद कर दिए, बात करना बंद करे। उसके बाद मैं खुद ही आया, मैं बोला भाई ट्रेन में एक बार फोन कर बैठ गया, फोन किया तो बोला मैं आ रहा हूँ मुंबई। भाई तू आ मत, तू समझ रहा नहीं है क्या, तू क्यों आ रहा है? ऐसा बोला मैं स्टेशन में आके मिलता है, आज तक आके मिला नहीं मेरा। तो आप क्या आपने पुलिस से एक शिकायत पत्र दाखिल किया है, क्या मांग करेंगे उससे? मेरे को नुकसान पर के छोड़ दो। अच्छा नुकसान मेरा जो कारखाना आदमी मारा ना उसका? तो कारखाना किधर है वो जो आपका मशीन है? डी सेटर में। अच्छा डी सेटर में अभी भी वो कारखाना बंद है आपका? अभी भी बंद है वो। मार जो वो रूम बना भी वो कारखाना खाली करके दूसरे भाड़ा भी दे दिया, ऊपर मेरा सामान उठा के रख दिया। रख दिया ओके ठीक है। अभी भी बोल रहे उन लोग अभी क्या शांति दिखा मेरे से, तू आ तो बिजनेस तुम कोई मारे देंगे। अभी मेरा मैं रहूं किधर? मेरा सब बंद करा दिया सब, मैं आके रहूं किधर? तो अभी क्या आप क्या चाहिए आपको? ये लोग को चारों को कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और लोग जो धमकी दे उन लोग सबर तेरा भी बदलाव देना चाहिए। मेरे नुकसान भर के मनता है। अच्छा अभी रूम बड़ा तो मेरा भाड़ा छोड़ा नहीं, तो भाड़ा देने तो मेरा 2 लाख का सामान पड़ा था 5 महीने एक ही जगह पे सामान पड़ा, वो बोला बेच के निकालूंगा। अभी उनके कितने दिन में बोलूँ? तभी पुलिस से क्या मांग करेगी प्रशासन? पुलिस से मेरा नुकसान भर के चाहिए, उनको नुकसान भर के चाहिए आपको, और आपको जो धमकी दिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप 6 महीने से यहाँ से गायब हैं, आप यहाँ से
फिर मैंने अभी आने भी नहीं और अभी पुलिस वाला बुलाया मैं आज गया था। अच्छा ये बात मालूम है क्या उन लोग को आपने पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत? मतलब बोल रहे ना मतलब मैं नेता तो सीधा ही बोलते हैं मेरे को मैं पुछोल के में जाकर बैठ जाता तू क्या नेता ही कह रहे तो पुछोल के में जाएगा मेरा भाई भी देखे सब पढ़ रहा था तू क्या नेता ही क्या सब। उसका भाई का कुछ नाम बताया? नाम नहीं मालूम, नाम भाई कभी देखा नहीं मैंने। अच्छा ठीक है, जावेद में दो ही टाइम देखा मैंने, जावेद को जावेद हो गए, महबूद हो गया और ये जिन्नत हो गई ना, ये सब तीन से चार लोग हैं। और महबूद का जावेद का ग्रुप लोग हैं। देखिए ये थे चिन्ना तामी थी जहाँ चिता कैम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चलता है, लोगों को ऐसा फंसाने का काम चलता है। आज ये भी एक मामले में फंस गए हैं जो कि लोगों को जो ये आप मैं भी एक अपील करूंगा कि जो भाड़े से रूम लेते हैं वो भी एकदम सावधान रहें इनसे चारों से, आपके भी साथ में एक फ्रॉड हो सकता है जैसा ये चिन्ना तांबी के साथ में हुआ है। इन्होंने इस मामले में चारों जन के ऊपर पुलिस कार्रवाई की मांग की है और उसके बाद उनको जो इनका चार से पांच महीना कारखाना बंद है उसको नुकसान भरपाई की मांग इन्होंने प्रशासन से की है। और ये जो मामला बनता है ये चारों जन हैं, इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो और तांबी को न्याय मिले। हम भी खबरें आज भी से पुलिस प्रशासन और यहाँ के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।